सो यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज यार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हम लोग कितने ही भयानक एंट्री भाई स्पाइडरमैन की। एंड भाई बहुत तगड़ी एंट्री मारता है भाई, कसम से यार। एंड यहाँ पे तुम लोग देख ही सक रहे हो भाई हम लोग कितने तगड़े लग रहे हैं। एंड हमारे पास बहुत सारे पावर भी है जो कि स्पाइडरमैन के पास होती है। एंड यहाँ पे हमें पोशन भी देखो भाई कितनी सारी मिल गई, मतलब भाई सब गजब। एंड अभी इसकी पावर तो स्पाइडरमैन वेब शूटर ये सब तो बाकी है भाई। तो भाई यार आज हम लोग यही करने वाले भाई, मतलब स्पाइडरमैन कैसे बने लोकी क्राफ्ट में यही बताने वाला हूँ। एंड यस, हम लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि आयरन मैन के ऊपर थी, जिसमें कि तुम लोगों ने अच्छा खासा देख भी लिया उस वीडियो को। तो मैंने सोचा चलो आज स्पाइडरमैन को भी दे ही देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो भाई लोगों का भाई स्पाइडरमैन ही पसंद आता है, मतलब भाई आयरन मैन के बाद। एंड बहुत लोग का पहला स्पाइडरमैन ही होता है। हाँ तो गाइज यार आज भी तुम लोग को देने वाला हूँ यही स्पाइडरमैन का मोड, जिसमें कि तुम लोग को बहुत बहुत तगड़े तगड़े सूट मिलेंगे। एंड ये तो बस मैंने एक ही सूट डाला है। एंड यहाँ पे ये देख रहे हो ये वाली बटन, इससे हम लोग बहुत सारे सूट ले सकते हैं जो कि हम लोग को ओवर पावर बना देगी। तो यहाँ पर मैं भाई अभी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बट हाँ काम करता है। तो यहाँ देख सकते हो अभी हम लोग कितने तगड़े लग रहे हैं, एंड बहुत सही लग रहा है भाई। तो चलो अब इसके जलवा दिखाते हैं थोड़ा। सो भाई लोग देखो अभी हमारा स्क्रीन आ चुका है यहाँ पे, एंड हम लोग कुछ ऐसा दिखते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है भाई। मतलब देख रहे हो भाई क्या ही तगड़ा, मतलब हमारा सामने का स्क्रीन ही भाई पूरा एकदम गजब स्पाइडरमैन की तरह हो गया। तो भाई हम लोग स्पाइडरमैन बनेंगे कैसे नहीं। सो भाई ये भी बात सही है। एंड यहाँ पे देखो अभी हम लोग को स्पाइडरमैन की पावर मिल गई, बस हम लोग ने सिस्टम वाले बटन को टच किया एंड हमें पावर मिल गई, ये देखो ये दोनों। एंड यस गाइज देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ कि तुम लोग इसको सर्वाइवल में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ये क्राफ्ट है ना पूरा एकदम सर्वाइवल में भी क्राफ्ट होता है। एंड अभी तुम लोगों ने जो देखा होगा यहाँ पे भी देखा ना क्या ही गजब एंट्री, मतलब मेरे मुंडी पे मेरे सर पे से वो वाली मास्क हट गई जो कि पूरा एकदम भयानक तरीके से हुआ। तो भाई यार तुम लोग सबसे पहले लाइक कर दो। एंड अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से हेलमेट पहन लिया अपना, मतलब मेरा मास्क अब मैं बस स्निक होता हूँ तो हट जाता है, तो ये भी सही बात है भाई बिना। एंड यस अभी देखो मैं ये दो पावर यहाँ पे हमारे पास दो पावर है जो कि काफ़ी दस्त है, इससे हम लोग है ना वेब शूट कर सकते हैं और हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। ये देखो मतलब हमारा वेब शूट हो रहा है। एंड हाँ सर्वाइवल में बहुत तगड़ी लाइफ मिलती है हमें जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होता है। सो सबसे पहले मैं नीचे चल जाता हूँ, चल भाई नीचे लैंडिंग मार। हाँ तो गाइस यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे जाली है, तो जाली को भी मैं इस पे डालने वाला हूँ। एंड इस मकड़ी का तो भाई ये तो मर गई, कुछ ज़्यादा ही जाली भाई पावरफुल है, कसम से भाई तुम लोग पंगे मत लेना किसी से, मतलब तुम लोग ड्रैगन को बस जाली से फेंक फेंक के मार सकते हो। एंड हमारे पास और भी पावर है जो कि यह रिपल्सर, जिसको हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना, तो यहाँ देखना भाई ओए कहाँ गया भाई। हाँ तो हम लोग इसको ज़मीन पे फेंकते हैं, यहाँ देखो ज़मीन पे फेंका तो यहाँ पे ब्लास्ट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। सो गाइस जल्दी से तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई आज की लाइक में रखते हैं हम लोग 1K जो कि तुम लोग बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं कर रहे हो भाई, प्लीज़ कंप्लीट कर देना, देखते हैं आज सब लोग है ना कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं तुम लोगों की पावर। एंड भाई देखो हम लोग अभी स्पाइडरमैन की फिर से है ना इसकी जाली से इस शिप को मारने वाले हैं। ये देखो भाई पूरी मर गई है, हम लोग जाली में फंस भी जा रहे हैं। एंड ये गई भाई, एंड हम लोग जाली में फंसा भी सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड जाली है भाई। ये देखो हम लोग कितने दूर बार बार जाली फेंक सकते हैं। एंड यहीं से विलेज में भी सूट काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। एंड अभी मैं इसकी पावर चेंज करने के लिए मेरे को बार बार सिस्टम लेना पड़ता है, तो मैं सिस्टम दबा यहाँ पे इंस्टॉल कील, इसकी एनिमेशन मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ देखो मैं स्नीक हुआ एंड खड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखो हमारा सूट में ये पीछे ऐसे निकल गया। एंड मैं कोई भी जानवर के पास जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुर्गी है ना, मुर्गी रुक जा मुर्गी। हाँ तो मुर्गी के पास मैं ऐसे गया। एंड ये देखो ओ हाँ भाई मेरे को याद है ये हॉस्टाइल मॉब पे काम करता है, मतलब कि जॉम्बी क्रीपर अगर तुम्हारे कोई बगल में रहेगा तो ये वाला जो ये सब है ना ये उसको जाकर तुरंत मार देगा, एंड तुम लोग को एकदम मजे हो जाएंगे सर्वाइवल में। एंड अभी मैं तुम लोग को और सूट दिखाता हूँ इसके। तो अगर तुम लोग यहाँ पे नीचे आते हो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे सूट मिलते हैं जो कि तुम लोग देख सकते हो। एंड सर्वाइवल में तुम लोग को बस ये दो ठो क्राफ्ट करना है, ये वाली और ये वाली, और ये दोनों है ना बहुत ईजिली चीज़ से क्राफ्ट होते हैं। मैं तुम लोग को इन लोगों की रेसिपी बताता हूँ, सर्वाइवल में भी तुम लोग खेल पाओगे। चलो कोई ना, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग है ना एक क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। तो ये क्राफ्टिंग टेबल क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वाइवल में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अब क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया मैंने एंड इसको टच किया। एंड अब देखो हम लोग यहाँ पे तुम लोग को सारे के सारे की रेसिपी बताते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे नीचे जाएंगे एंड यहाँ देखो भाई, ये वाली हमारी आयरन मैन स्पाइडरमैन वाली सूट, आयरन स्पाइडरमैन, एंड ये हमारी आयरन स्पाइडरमैन कॉमिक वाली सूट। एंड इन दोनों सूट को तुम लोग एक्टिवेट करके पावर पूरा का पूरा ले सकते हो। तो रेसिपी तो तुम लोग को पता चली गई होगी। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास अभी आयरन स्पाइडरमैन वाला सूट है, तो बस मेरे को इसको टच करना होता है। यहाँ पर स्नीक टू एक्टिवेट आ गया, मैं स्नीक होऊंगा ये कॉर्नर वाले बटन पे से, ये वाली देखो जिसे पे मैं चल रहा हूँ उसके बीच वाले बटन पे से, एंड फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा। एंड ये हमारा सूट है ना पूरा का पूरा एक्टिवेट हो गया, एंड इसकी एनिमेशन भी तगड़ी होती है। एंड अब तुम लोग को इसकी पावर चाहिए होगी ना, तो बस ये देखो यहाँ पे सिस्टम की बटन आ जाएगी, उसको टच करना, अगर कभी कभी काम नहीं करता तो फिर से उस पर सिस्टम पे ले जाना और टच करना। यहाँ देखो हेलमेट ऑफ, हेलमेट अभी चल गया। एंड यहाँ पे हमारे पास स्पाइडरमैन की पावर भी आ गई जो कि सर्वाइवल में आराम से आ गया। एंड इसे तुम लोग ऐसे उड़ भी सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कैसे उड़ रहे हैं, मतलब सही है भाई, एकदम सही है ये देखो। एंड भाई साहब ये देखो भाई मैं जा भी रहा हूँ, एंड अभी विलेज में वापस चलते हैं जल्दी से, सो जल्दी चलो भाई। एंड अब नीचे लैंड, एंड यहाँ पे थोड़ा मोटा वेव शूट कर देते हैं हम लोग। ये देखो मैंने यहाँ पे, ओ भाई डैमेज भी होती है लेकिन उतना खास नहीं। सो गाइस मैं चलो तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग ये मोड कैसे अपने यार तुम लोग कैसे खेल सकते हो। तो इसके लिए तुम लोग को 1.19 और 1.20 वर्जन चाहिए होती है, जो कि तुम लोग को तो पता ही होगा आराम से, क्योंकि आयरन मैन भी उसी में मैंने दिया था। तो यस इसमें भी तुम लोग को वही वर्जन चाहिए। एंड यहाँ पे देख रहा भाई मैं हेड का मतलब अपना हेड में सूट ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। तो चलो अब चलते हैं, कैसे करना है जल्दी बताते हैं। तो तुम लोग को लिंक मिलेगी हमारी वेबसाइट की, तो वहाँ पे जल्दी से चल जाना एंड वहाँ पे मजे करना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को बस वो टच करना होता है एंड उसके बाद तो तुम लोग को पता ही है ना। तो चलो बताता हूँ क्या करना है वेबसाइट पर हमारे। सो गाइस जैसे तुम लोग लिंक पे टच करोगे तुम लोग आ जाओगे यहाँ पे, जो कि तुम लोग यहाँ देख सक रहे हो। यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन का पेज एंड ये हमारा वेबसाइट है जो कि तुम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने स्पाइडरमैन की पूरी डिटेल डाल रखी है जो कि ठीक ठाक है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे जो टच मी टू डाउनलोड ये वाली बटन आ रही है ना, इसको तुम लोग को टच करना होता है। ये कुछ ज़्यादा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे दिख सकता है ये वाली बटन, तुम लोग को इसको टच करना होता है, ये वाली यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रही है, बस उसको टच करोगे तुम लोग डाउनलोड आराम से कर लोगे। तो बस इसको टच करके डाउनलोड कर लेना, एंड डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो बताता हूँ। सो गाइस यार देखो तुम लोग ऐसे आ जाओगे यहाँ पे, जड एच योर ऐप यार अपने कोई भी माई फाइल्स ओपन कर लेना डाउनलोड करने के बाद। यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चल जानी होती है, यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम लोग को स्लाइड करके ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन कहाँ पे लिखा हुआ है, यार स्पाइडरमैन ढूंढो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे स्पाइडरमैन वाली मोड यहाँ दिख रही होगी, इसमें डॉट जिप लगी है, तो हम लोग उसको देर तक टच करेंगे एंड यहाँ पे रीनेम पे टच करेंगे एंड फिर इस डॉट जिप को है ना यहाँ पे काट देंगे, डॉट जिप उसको काट के यहाँ पे एम सी और इतना पे छोड़ देंगे एंड डन। यहाँ पे फिर इसको टच करो, व्यू वाले यहाँ पे कॉर्नर पे जो टिक आ रहा है उस पर टच करो एंड फिर यहाँ पे लोकी का आपको सिलेक्ट करो। बट भाई मेरा हट गया, हाँ तो फिर से करता हूँ, यहाँ पे व्यू पे टच करो, लोकी आपको सिलेक्ट करो, जस्ट वंस पे क्लिक करो एंड भाई साहब देखो हमारा गेम ओपन हो रहा है। तो भाई यार बस यही सब चीज़ करनी है, तुम लोग का गेम में यहाँ पे आ जाता है। एंड हाँ कुछ सेटिंग अभी और बाकी है जो कि तुम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको भी कर लेना। एंड यहाँ पे भाई यार ये जॉम्बी वॉम्बी हमें क्यों मारने लगता है पता नहीं भाई साहब, एक क्रीपर भी फट गया लेकिन मैं नहीं मरा भाई, यही तो है स्पाइडरमैन की जलवा। देखो यहाँ क्रीपर मेरे सामने फटा एंड यहाँ पे डुप्लीकेट बता रहा है क्योंकि मेरे पास ये पहले ही सही है, मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जिट मारते हैं। सो गाइस देखो यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग को सबसे पहले प्ले पे क्लिक करना पड़ता है। अगर कोई पहले वर्ल्ड वाले में खेलना है तो यहाँ पे एडिट पे टच करके यहाँ पे खेल लेना, लेकिन अगर नए वर्ल्ड में खेलना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे जाना, क्रिएट पे जाना, फिर यहाँ पे सर्वाइवल में खेलना, सर्वाइवल में खेलना। लेकिन हाँ भाई तुम लोग ये वाली एक्सपेरिमेंटल ये सभी चीज़ है ना ऑन कर लेनी होगी, जो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में आता है सारा ऑन कर लेना एंड फिर इधर रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक ऐड कर लेना ये दोनों, एंड उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा एंड फिर वर्ल्ड क्रिएट कर दो। सो देखो यार हमारा वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। एंड यहाँ से सूट तो अभी ले नहीं सकते क्योंकि सर्वाइवल में है, क्योंकि भाई हम लोग को क्राफ्ट करनी पड़ेगी, क्राफ्टिंग की रेसिपी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता रखी है क्योंकि भाई बहुत ईजी है, जो कि यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ क्राफ्टिंग की रेसिपी। अब भाई क्राफ्टिंग टेबल भी क्राफ्ट करनी पड़ती है उसके लिए, तो मेरे पास अभी नहीं है। तो भाई चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से लाइक कर देना, चलो बाय बाय।